थोड़ा सा आपका डबल एंट्री भी यहाँ रिवाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं, विच इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है भाई, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस करनी है, नहीं, टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी माइनस करनी है, तो क्या जाएगा, ओनर्स कैपिटल। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स कैपिटल। यार ये जो है ए वाला, ये है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ये जो टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं, ये आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। सही, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब अपना पैसा भी और बाहर वालों का पैसा भी, लोन वगैरह। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी ओनर्स कैपिटल। और एक और भी होता है इसमें, वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अगर करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करें तो क्या जाएगा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो यहाँ पूछा था अकाउंटिंग